सोनू सूद, फ्री आईएएस कोचिंग संभवम, टर्म एंड कंडीशन सेलेक्शन क्राइटेरिया। तो देखते हैं, फर्स्ट है चयनित शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों को आईएएस परीक्षा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी। पात्रता के चयन के लिए एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि इसके लिए आपको एक ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट लगेगी। अपनी प्रविष्टि जमा करना श्रम भवन 2022-23 के लिए आपके चयन की गारंटी नहीं देता है, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसकी गारंटी नहीं है कि आपका चयन हो ही जाए। सूद चैरिटी फाउंडेशन और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन अपने विवेक और चयन प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद चयनित उम्मीदवार CSF और दिया को किसी भी मीडिया फॉर्म, डिजिटल या ऑनलाइन ऑफलाइन पर अपना नाम, फोटो, परिणाम, प्रगति रिपोर्ट का उपयोग प्रकाशित करने का पूर्ण और पूर्ण अधिकार देते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ है चयनित उम्मीदवारों को सूद चैरिटी फाउंडेशन और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन द्वारा पूछे जाने पर सभी अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। उसके बाद कोई भी गलत जानकारी चयन को तत्काल रद्द कर देगी। सूद चैरिटी फाउंडेशन और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन किसी भी रूप में अवसर का दुरुपयोग करने वाले किसी भी उम्मीदवार के चयन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। कार्यक्रम के प्रति गैर गंभीर पाए जाते हैं, दिशा निर्देश, नियम और विनियमों का पालन नहीं करते हैं, जिन्हें बदला जा सकता है SCF और दिया या दोनों समय समय पर। नौ है रुपए की गैर वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क, पंजीकरण और चयन प्रक्रिया के लिए दिया ₹50 का शुल्क ले रहा है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाए या ना हो इसलिए वापस नहीं होंगे। किसी भी चयनित उम्मीदवार या उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, SCF दिया, उनके बोर्ड के सदस्यों, समिति के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम शुरू होने से पहले या बाद में किसी भी रूप में कोई दावा नहीं किया जाएगा। 11 है उम्मीदवार को संबंधित वेबसाइटों पर जाने और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए नियमित रूप से अपने ईमेल की जांच करने की आवश्यकता होती है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद अपनी ईमेल जो है आप देखते रहना, कोई मैसेज तो नहीं आया इनकी तरफ से। चयनित छात्रों को उनके सहयोगी संस्थानों में SCF और दिया द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सीटें आवंटित की जाएंगी। संस्थान की पसंद के लिए छात्रों उम्मीदवारों के लिए भी अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम में SCF और दिया के सभी निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे। फॉर्म भरने वाले किसी भी उम्मीदवार को कोई पात्रता की गारंटी नहीं है। किसी छात्र का चयन किसी भी प्रकार से किसी तरह के किसी भी अधिकार का हकदार नहीं है। कार्यक्रम के केवल पात्र छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी। इसके अलावा किसी भी चीज़ का अनुरोध पर पूर्ण या वस्तु रूप से विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है सिर्फ उन्हीं को ऑनलाइन कोचिंग जो है प्रदान की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित लेकिन योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोई भी विवाद किसी भी प्रकार का मुंबई न्यायालयों में के अधिकारों का पालन करेगा, आप उसे देख सकते हो।